आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में भारत और न्यूजीलैंड से जीतने के बाद पाक टीम के हौसले बुलंद हैं। पाकिस्तान के कोच सकलैन मुश्ताक ने गुरुवार को कहा कि टीम के खिलाड़ी एक दूसरे की कंपनी का आनंद ले रहे हैं और टीम काफी आत्मविश्वास से भरी दिखाई दे रही है। उन्होंने आगे कहा, पाकिस्तान की प्रतिबद्धता अच्छा खेल खेलने पर रही है। 2009 में चैंपियन बनने के बाद सुपर 12 के ग्रुप 2 में टॉप पर रहना अच्छी बात है। यह टूर्नामेंट T20 मैचों का है और इसके लिए आपको पूरी योजना बनानी पड़ती है, इसलिए आने वाले मैचों में इसी तरह का प्रदर्शन करने पर पूरा फोकस रहेगा। पाकिस्तान का अगला मैच शुक्रवार को अफगानिस्तान के खिलाफ होना है। इस बारे में उन्होंने कहा कि विरोधी टीम के पास मुजीबुर रहमान, राशिद खान और मोहम्मद नबी के रूप में 3 बेहतरीन स्पिनर्स मौजूद हैं। वहीं जब अफगानिस्तान की टीम में बेहतरीन बल्लेबाजी भी है, इसलिए हमें उनके खिलाफ अच्छी योजना बनाकर खेलना होगा। बता दें कि मंगलवार को शारजा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हरा दिया। यहां पहले टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 8 विकेट पर 134 रन बनाए थे। इसके जवाब में लक्ष्यों का पीछा करने उतरी पाकिस्तान ने 18 ओवर 4 बॉल में 5 विकेट खोकर लक्ष्य को पूरा कर लिया। मैच के हीरो रहे शोएब मलिक और आसिफ अली की शानदार साझेदारी की वजह से टीम की एक बार फिर जीत हुई। पाकिस्तान ने टूर्नामेंट में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। न्यूजीलैंड की ओर से इश सोडी ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए, जबकि ट्रेंट बोल्ट, जेम्स निशाम और मिशेल सेंटनर ने 1-1 विकेट लिए। शारजा की धीमी पिच पर लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही और कप्तान बाबर आजम ने 1 चौके की मदद से 9 रन बनाकर टिम सोडी के गेंद पर क्लीन बोल्ट होकर पवेलियन लौट गए। इस तरह पाकिस्तान ने पावर प्ले में 1 विकेट खोकर 30 रन बनाए। इस बीच मोहम्मद रिजवान क्रीज पर डटे रहे और पाकिस्तान की पारी को बढ़ाते चले गए। इसके थोड़ी देर बाद ही फकर जमान ने अच्छी बल्लेबाजी की और सोढ़ी की गेंद पर एक जबरदस्त छक्का लगाया, लेकिन उसी ओवर में जमान को सोढ़ी ने अपना शिकार बना लिया। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद हफीज कॉनवे द्वारा लिए गए शानदार कैच के बाद आउट हो गए। इसके बाद जल्द ही रिजवान भी 5 चौके की मदद से 34 गेंदों पर 33 रन बनाकर सोढ़ी की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद आखिर तक मलिक और अली ने खेल कर टीम को शानदार जीत दिलाई। इस मैच में दोनों के बीच सफल 48 रनों की साझेदारी हुई। इससे पहले टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड टीम की शुरुआत शारजा की धीमी पिच पर बेहद खराब रही और टीम ने पावर प्ले में 1 विकेट के नुकसान पर 42 रन बनाए। इस दौरान रऊफ ने मार्टिन गप्टिल को जल्द ही आउट कर दिया। इसके बाद डेरिल मिशेल ने 1 चौके और 2 छक्कों की मदद से 20 गेंदों में 27 रन बनाकर वसीम की गेंद पर आउट हो गए। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए जेम्स निशाम को जल्द ही हाफिज ने पवेलियन भेज दिया। पाकिस्तान की जबरदस्त गेंदबाजी के कारण न्यूजीलैंड टीम का रन रेट लगातार गिरता रहा। पाकिस्तान की ओर से हारिस रऊफ ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके, जबकि इमाद वसीम और मोहम्मद हफीज ने 1-1 विकेट लिया। पिछले मैच के हीरो रहे शाहीन शाह अफरीदी को इस मैच में 1 विकेट से ही संतुष्ट होना पड़ा।